सफल अवैध संबंध के चलते पत्नी ही निकली पति का कातिल। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए मर्डर करने वाला अवैध हथियार बरामद कर प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गौरतलब है कि 1 जनवरी को जनपद संभल के कोतवाली गुन्नौर के ग्राम सिंघोला में नियुक्त सफाई कर्मी संजय कुमार ग्राम सिरसा खुर्द थाना जरीफ नगर जनपद बदायूं के लापता होने के संबंध में गुन्नौर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें मृतक का शव 2 जनवरी को ग्राम भीमपुर थाना जैनी फरीदनगर के जंगल में मिला था, जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान एक मोड़ सामने आया कि प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति को अवैध शस्त्र से जंगल में ले जाकर मृतक के गोली मार दी। सफाई कर्मचारी संजय कुमार था, जिसकी बॉडी जरीफ नगर बदायूं में मिली थी और उसकी बाइक यहाँ गुन्नौर थाना क्षेत्र में संभल में मिली थी। इस आधार पर उसकी गुमशुदगी लिखी हुई थी और इसकी जब गहन विवेचना प्रारंभ की गई तो इसमें निकल के आया कि इसकी जो पत्नी थी, मृतक की पत्नी थी, वो एक व्यक्ति से अवैध संबंध में थी, जो जितेंद्र भूरा करके एक व्यक्ति है उससे अवैध संबंध है, 1.5 साल से चल रही थी और उसके बाद धीरे धीरे करके ये उसके प्रेम संबंधों में बाधक बन रहा था व्यक्ति। तो इसने अपने जो प्रेमी है, जो महिला है, अपने प्रेमी से मिल करके उसने प्लान बनाया कि इस तरह किसी तरीके से इसको, उसके पति को उसके रास्ते से हटा दिया जाए और फिर ये लोग प्लान करके उसको तैयारी कर रहे थे हटाने के लिए। तो 31 की नाइट को इसने प्लान बनाया, जो जितेंद्र भूरा है जो अभी पकड़ा गया है, इसने प्लान बनाया और 1 तारीख को बुला करके इसने गन्ने के खेत में ले जा करके 3 पौवे खरीदे शराब के और उसको खूब शराब पिलाई, उसके बाद उसको गोली मार दी। गोली मारने के बाद जरीफ नगर में उसका शव छोड़ करके ये चला आया और उसकी मोटरसाइकिल ला करके बदायूं क्षेत्र में फेंक दी और उसके बाद आ करके शाम को गया और वो महिला से मिला और बता दिया कि इसका काम तमाम हो गया है। और फिर ये लोग उसके परिवार वालों के साथ मिल करके अगले दिन बॉडी को ढूंढने भी गए। फिर जब इसने पुलिस की सक्रियता देखी तो ये वहाँ से हट गया। अभी ये पकड़ा गया है, इसने पूरा अपना जुर्म कबूल किया है और इसमें महिला की पूरी संलिप्तता थी। इन लोगों ने अवैध संबंधों में अपने पति का जो बाधक बन रहा था उसको रास्ते से हटाने के लिए पूरा कृत्य किया था। अभी ये पकड़े गए हैं और विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये बताया जा रहा है सर महिला में और हत्या आरोपी में भी संबंध है। वही संबंध थे, 1.5 साल से चल रहे थे उनके अवैध, हाँ वो अवैध संबंध चल रहे थे और दूर के रिश्ते में भी लगते हैं वो, और इसीलिए बाधक बन रहा था उसका पति, जिसको हटाने के लिए पूरा प्रोग्राम किया गया।